नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। आज जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से पहले ही लोग मतदान करने बूथ पर पहुंचने लग गए हैं। वहीं मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। जयपुर जिले में सुबह 9 बजे से 9.90% मतदान हुआ है। विद्याधर नगर से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने हवा महल के पेंशनर ऑफिस में बने बूथ पर वोट दिया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सी स्कीम में पोलिंग बूथ पर वोट डाला। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी निर्माण नगर स्थित बूथ में मतदान किया है। विद्याधर नगर से कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल बूथ पर मतदान किया है। आपको बता दें कि जयपुर जिले में 29 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 10 शहरी विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 और 9 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में 1-1 बूथ बनाया गया है। आदर्श बूथ पर मतदाताओं को लोकतंत्र के महोत्सव की छटा देखने को मिलेगी। इन बूथों में न केवल आकर्षक सजावट करवाई है, साथ ही यहां मतदाताओं के लिए स्वागत, पेयजल सहित बैठने के लिए समुचित इंतजाम किया गया है। वहीं युवाओं मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सभी मतदान बूथों पर सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं। साथ ही नव मतदाताओं को प्रथम मतदान का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके साथ ही बता दें आपको कि जयपुर कमिश्नरेट के 5,500 जवान चुनाव के दौरान ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं पैरा मिलिट्री फोर्स के 28 कंपनियां संवेदनशील बूथों पर तैनात की गई है। जयपुर में कुल 410 मतदान केंद्रों को संवेदनशील माना गया है। इन संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुबह से ही पैरा मिलिट्री फोर्स CAPF तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय सुरक्षा बल के कमांडेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला प्रशासन के अलावा जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने भी फ्लाइंग यूनिट बनाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार।